हल्द्वानी में रोशनी सोसाइटी की ओर से 94वीं रीजनल मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के साथ आने वाली चुनौतियों और उनके विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। सोसाइटी के अध्यक्ष शिवानी पाल ने कहा, दिव्यांगता व्यक्ति की सफलता में बाधक नहीं बन सकती है, जरूरत है तो उसे सही दिशा देने की। मानसिक दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों के लिए आज तमाम गैजेट्स उपलब्ध है। आपको बता दें कि इस मीट में नॉर्थ जोन के तमाम शहरों से ऐसे बच्चों के अभिभावक यहां पहुंचे हैं, जिन्हें एक्सपर्ट्स की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें हमें बहुत तरीके के फ़ायदे हैं। जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए हैं, वो जो हमको बता रहे हैं, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसका फ़ायदा तो है ही। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स देश के कोने कोने से आए हैं और उन सबके अनुभव अपने बच्चों के साथ बहुत भिन्न भिन्न हैं और वो उनको भी शेयर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्या है, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, IDD बच्चे, उनके नॉर्थ जोन की एक रीजनल पेरेंट्स मीट है बच्चों के। और नॉर्थ जोन में 6 स्टेट आते हैं, J&K, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इन पांचों जगह से हमारे पास डेलीगेट्स आए हुए हैं। देखिए, रोशनी सोसाइटी द्वारा ये रीजनल पेरेंट्स मीट आयोजित की गई है, जो कि परिवार और निपिड, जो एक संस्कारी सरकारी संस्था है, परिवार एक पेरेंट्स को फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल को फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो परिवार में लगभग 300 से ज़्यादा पेरेंट्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड हैं। अगर हम उत्तराखंड के अंदर बात करें तो इस समय जो कल्याणम सोसाइटी है, वो हर प्रतिदिन जो है बच्चों को कुछ ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग देने का प्रयास करता है। आज हमारे समक्ष परिवार NGO की तरफ से भी यहाँ पर एक पेरेंट्स टीचर मीट को ऑर्गेनाइज किया गया है और हम आशा करते हैं कि यहाँ से जो अभिभावक गण हैं और साथ में जितने भी हमारे स्पेशल जो बच्चे हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, यहाँ से हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख के लेके